एक महिला ने कहा, अपना अनुभव बताया, कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। शराब बंदी लागू हो गया, अब शाम में घर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं और अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये था महिला, ये कितनी बड़ी बात है कि पहले मार पीट करता था और अब मुस्कुराता, देखने में क्रूर लगता था, अब देखने में अच्छे लगते हैं। कितना बड़ा अंतर आया। चंद लोग तो गड़बड़ करने वाले होंगे। अब आप बताइए, मर्डर करने पर दूसरे क्राइम पर कितनी सजा है? मर्डर में तो आजीवन कारावास, फांसी की सजा, तभी मर्डर होता है जी। कुछ आदमी को आप सब कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ कानून बनाने से। इधर से उधर गड़बड़ तो करेगा, कितना भी कुछ कर दीजिए तो कुछ आदमी का मन ही ऐसा होता है धंधा करने का, बाएं दाएं इधर उधर कर लेगा। लेकिन हम लोगों को इसके लिए निरंतर अभियान चलाते रहना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए।